हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त फान वर्गब और आप देख रहे हैं जीके विद फानू चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे विमर्श पोर्टल पर सीएम राइज से रिलेटेड क्या नया अपडेट आया। तो दोस्तों, जैसा कि मैं देख रहा हूं कि यहां पर सीएम राइज स्कूल से रिलेटेड एक बड़ा अपडेट आया, जहाँ स्कूल शिक्षा विभाग अथवा जनजाति कार्य विभाग के अंतर्गत हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूलों में वर्तमान में नियमित प्राचार्य प्रतिनियुक्ति पर वर्तमान में स्कूल शिक्षा विभाग अथवा जनजातीय कार्य विभाग में कार्यरत प्रभारी जिला अधिकारी एवं जिला परियोजना समन्वयक सहायक संचालक व डीपीसी के लिए दोस्तों विज्ञापन जारी हुआ है प्राचार्य पद के लिए। तो दोस्तों, हम इस विज्ञापन को रीड करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार से शिक्षा विभाग से संबंधित प्रतिदिन लेटेस्ट न्यूज के लिए और सीएम राय स्कूल से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर आपको मिल जाएंगे, प्रैक्टिस पेपर, मॉक टेस्ट पेपर। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अब हम इस वीडियो को शुरू। तो दोस्तों, सीएम राइज स्कूल से रिलेटेड एक नया आदेश जारी हुआ है और यह लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश द्वारा जारी किया गया है 26/10/2021 को। क्या है इसमें, तो इसे डिटेल में जानते हैं। जैसा कि दिया गया, मध्य प्रदेश शासन महत्वाकांक्षी योजना सीएम राइज विद्यालय शैक्षणिक सत्र 2021-22 से प्रारंभ की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत स्कूल शिक्षा विभाग के 276 विद्यालयों को सर्व सुविधा युक्त विद्यालय में विकसित किया जा रहा है। इन विद्यालयों की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार है। विद्यालय में बृहद एवं सर्व सुविधा युक्त कैंपस में कक्षाएं केजी से लेकर के 12वीं तक संचालित होंगी। हिंदी तथा अंग्रेजी माध्यम में शिक्षण व्यवस्था की जाएगी। वही सभी संख्याओं में अध्यापन की व्यवस्था रहेगी। विद्यालय के लिए कंप्यूटर, योग, खेल, म्यूजिक, नृत्य की शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। विद्यार्थियों के लिए परिवहन की भी व्यवस्था की जाएगी। वहीं उक्त विद्यालय में शासकीय हाई स्कूल, शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल, स्कूल शिक्षा विभाग तथा जनजातीय कार्य विभाग में कार्यरत प्राचार्य से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यदि आप शिक्षा विभाग के क्षेत्र में उच्चतम आयाम स्थापित करने की चुनौती को स्वीकार करने की इच्छा शक्ति रखते हैं तो यह अवसर आपके लिए है। विस्तृत विज्ञापन एवं शर्तें, आवेदन करने की प्रक्रिया आपको एजुकेशन पोर्टल mpgov.in व www.vimarshmpgov.in पर उपलब्ध है। वही ऑनलाइन आवेदन विमर्श पोर्टल पर 10 नवंबर 2021 के लिए किए जा सकेंगे। चयनित स्कूल में पूर्व से कार्यरत प्राचार्य को शाला में बने रहने के लिए चयन प्रक्रिया से आवेदन करना होगा। साथ में नोट, स्कूल शिक्षा विभाग कार्य विभाग के अंतर्गत हाई स्कूल व हायर सेकेंडरी स्कूल में कार्यरत नियमित प्राचार्य ही आवेदन कर सकेंगे। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं वह विज्ञापन जो कि विस्तृत रूप में दिया गया है, मतलब इसकी चयन की प्रक्रिया क्या है, किस प्रकार से प्राचार्य इन स्कूलों में पहुंचेंगे, कौन कौन सी चयन प्रक्रिया को पार करते हुए। तो सर्व संसाधन संपन्न सीएम राइज विद्यालय में प्राचार्य को चयन प्रक्रिया, विस्तृत विज्ञापन। तो जैसा कि इसमें दिया गया, मध्य प्रदेश शासन की महत्वाकांक्षी योजना सीएम राइज स्कूल विद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2021-22 से प्रारंभ की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत स्कूल शिक्षा विभाग के 276 सर्व सुविधा युक्त विद्यालय में ऊर्जावान तथा इनोवेटिव प्राचार्य हेतु हाई एवं हायर सेकेंडरी स्कूल शिक्षा विभाग तथा जनजातीय कार्य विभाग में कार्यरत प्राचार्यों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। वहीं चयनित स्कूल में 100% रिक्तियां मानकर के कार्रवाई की जाएगी, अर्थात इन स्कूलों में पूर्व से कार्यरत प्राचार्य भी चयन प्रक्रिया के माध्यम से ही आना होगा। आयु सीमा में अगर देखा जाए तो 1/1/2021 की स्थिति में 57 वर्ष से अधिक ना हो प्राचार्य के लिए है। दोस्तों, इसमें भी इन शर्त रखी है 57 वर्ष से अधिक ना हो। वहीं चयनित अमले का कार्यकाल न्यूनतम 5 वर्ष का रहेगा। 5 वर्ष उपरांत संबंधित के कार्य के मूल्यांकन के आधार पर अवधि में वृद्धि की जा सकेगी। अपरिहार्य परिस्थितीय कार्य एवं अक्षमता की स्थिति में ही न्यूनतम अवधि के पूर्व भी स्थानांतरण किया जा सकेगा। वहीं वर्तमान आवेदक वर्तमान में विकासखंड का प्राथमिक क्रम चुन सकेंगे। न्यूनतम 1 विकासखंड की प्राथमिकता क्रम में चयनित किया जा सकेगा। चयन उपरांत पदस्थापना हेतु शालाओं का प्राथमिक क्रम चूज फिलिंग की सुविधा दी जाएगी। वहीं सीएम राइज विद्यालय में पदस्थापना नियमित प्रचार से ही की जा सकेगी। इन विद्यालय में किसी प्रकार की नवीन नियुक्ति नहीं की जा रही है, इसलिए आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। ऑनलाइन आवेदन विमर्श पोर्टल पर विमर्श पोर्टल की जो साइट है vimarshmpgov.in पर 10 नवंबर 2021 तक किए जा सकेंगे। दोस्तों, हम इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भेज देंगे। अब चलिए अब देखते हैं इसमें आगे पद। तो प्राचार्य पद के लिए आवेदन की पात्रता क्या है, स्कूल शिक्षा एवं जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों में वर्तमान में कार्यरत नियमित प्राचार्य
इसके लिए पात्र रहेंगे। वहीं प्रतिनियुक्ति पर वर्तमान में स्कूल शिक्षा विभाग तथा जनजाति कार्य विभाग में कार्यरत प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी जिला परियोजना समन्वयक प्रभारी सहायक संचालक ADPC भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ में जनजातीय कार्य विभाग में अधिकार अभ्यर्थी को विभाग का NOC प्रदान करना होगा। आयु सीमा में यदि देखा जाए तो 1/1/2021 की स्थिति में 57 वर्ष से अधिक ना हो। वहीं पात्रता में देखा जाए तो विगत 3 वर्षों में 2017 से 2018, 2018-19 और शैक्षणिक सत्र 2019-20 में कम से कम 2 वर्ष का साला का परीक्षा परिणाम दर्ज छात्रों के विरुद्ध 50% से कम ना हो। वहीं विभागीय जांच लोक सेवा के EOW में शिकायत लंबित ना हो। चयन प्रक्रिया किस प्रकार से रहेगी, तो इसमें प्राचार्य पद हेतु चयन साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। चयन प्रक्रिया में 50 अंकों की होगी, जिसका अंक विभाजन निम्नानुसार रहेगा। वर्तमान में कार्यरत प्राचार्य हायर सेकेंडरी व प्राचार्य हाई स्कूल हेतु यह इस प्रकार से रहेगा। तो चयन प्रक्रिया का आधार जो 50 अंक किस प्रकार से डिवाइडेशन है उसे देखते हैं। प्राचार्य पद हेतु चयन प्रक्रिया में वर्तमान कार्यरत प्राचार्य हायर सेकेंडरी एवं प्राचार्य हाई स्कूल के लिए है, और इसमें नंबर फर्स्ट जो सरल क्रमांक में दिया गया 30 अंक का किस प्रकार से मिलेंगे 30 अंक, विगत 3 वर्षों के कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम के औसत का 30%, तो इस प्रकार से 30 अंक प्राप्त हो जाएंगे। विगत 3 वर्षों का बोर्ड परीक्षा का परिणाम पर औसत परिणाम 30% होना चाहिए। साक्षात्कार जो इंटरव्यू रहेगा वो 10 नंबर का रहेगा। MED के 5 अंक दिए जाएंगे। वहीं पुरस्कार में आपको 5 प्रकार से ये रहेगा। जिला स्तरीय पुरस्कार के 2 अंक, राज्य स्तरीय पुरस्कार के 3 अंक और राष्ट्रीय स्तरीय पुरस्कार के 5 अंक दिए जाएंगे। 2 या 2 से अधिक पुरस्कार प्राप्त होने की स्थिति में केवल उच्चतर का के पुरस्कार को ही मान्य किया जाएगा, तो अधिकतम इसमें 5 अंक रहेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, टोटल योग 50 हो गया ये इस प्रकार से। वही प्रतिनियुक्ति पर पदांकित प्राचार्य यदि ADPC प्रभारी सहायक संचालक प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी है, तो उसके लिए जिले के 3 वर्षों के कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम के औसत का 30% गणना में लिया जाएगा। अब इसे देखते हैं, प्राचार्य पद हेतु चयन प्रक्रिया वर्तमान में कार्यरत प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी प्रभारी सहायक संचालक ADPC तो इनके लिए रहेगा, जिन जिले का विगत 3 वर्षों में कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम के औसत अंक का 30%, कुल 30 अंक मिलेंगे। वहीं साक्षात्कार जो रहेगा वो 10 नंबर का रहेगा। MED 10 नंबर का रहेगा। पुरस्कार का भी सिलसिला वही रहेगा जो विदाउट प्रतिनियुक्ति वालों प्राचार का है, तो टोटल 50 अंक का रहेगा। अब देखते हैं, जिले में पदस्थ जिला परियोजना समन्वयक के लिए ऐसे जिला परियोजना समन्वयक जो लगातार पिछले 3 वर्षों से उसी जिले में या अन्य जिलों में DPC पद पर कार्यरत है, उनके कार्यकाल के दौरान वाले जिलों के लिए कुल आवंटित वार्षिक राशि के लक्ष्य के विरुद्ध किए गए व्यय का प्रतिशत पिछले 3 वर्षों के औसत का 30% गणना में लिया जाएगा। वहीं देखा गया है कि 3 वर्षों से कम कार्यकाल वाले DPC के लिए जितने वर्ष DPC पद पर रहे हैं उतने वर्षों का आकलन किया तालिका में सरल क्रमांक 1 के अनुसार होगा। शेष वर्षों का आकलन उनके पूर्व में कार्यरत विद्यालयों के कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम के औसत का 30% गणना में लिया जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से यह रहेगा, प्राचार पद हेतु चयन प्रक्रिया जिला परियोजना समन्वयक की जो रहेगी वो किस प्रकार से रहेगी। तो 3 वर्षों में उसी जिले में अन्य जिले में DPC के पद पर कार्यरत उनके कार्यकाल के दौरान वाले जिलों के लिए कुल आवंटित वार्षिक राशि के लक्ष्य के विरुद्ध किए गए व्यय का प्रतिशत पिछले 3 वर्षों से औसत का 30% गणना में लिया जाएगा, तो इसके 30 अंक मिलेंगे। वहीं साक्षात्कार के 10 अंक हैं, MED के 10 अंक हैं और पूरी प्रोसेस वही सभी की एक सी है। तो दोस्तों इस प्रकार से टोटल 50 अंक का रहेगा। वहीं राज्य स्तरीय कार्यालय यथा जिला शिक्षा केंद्र लोक शिक्षण संचालनालय माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश ओपन स्कूल संस्कृत बोर्ड मदरसा बोर्ड आदि में कार्यरत प्रभारी सहायक संचालक के लिए पूर्व में कार्यरत विद्यालय में विगत 3 वर्षों की कक्षा 10वीं के बोर्ड परीक्षा परिणाम बस प्रक्रिया बिंदु क्रमांक 10.2 के अनुसार अपनाई जाएगी। वहीं विकासखंड स्तरीय प्रभारी सहायक संचालकों के लिए पूर्व में कार्यरत विद्यालय में विगत 3 वर्षों के कक्षा 10वीं के परिणाम
वह शेष प्रक्रिया बिंदु क्रमांक 10.10 के अनुसार अपनाई जाएगी। वहीं बिंदु क्रमांक 10.2 के अनुसार प्राप्त अंकों की मेरिट की सूची तैयार की जाएगी तथा इस मेरिट सूची के क्रमानुसार प्राचार्य की पद स्थापना की जाएगी। निम्नानुसार प्रतीक्षा भी तैयार की जाएगी, प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी। वहीं कार्यकाल इनका जो रहेगा वह चयनित अभ्यर्थी का कार्यकाल न्यूनतम 5 वर्ष रहेगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में संतोषजनक कार्य नहीं की स्थिति में अन्यत्र स्थानांतरण किया जा सकेगा। 5 वर्ष उपरांत संबंधित के कार्य के मूल्यांकन के आधार पर अवधि में वृद्धि की जा सकेगी। तो दोस्तों यह लोक शिक्षण मध्य प्रदेश आयुक्त अभय वर्मा जी द्वारा यह आदेश जारी किया गया। तो दोस्त इसी प्रकार से हम शिक्षा विभाग से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।